गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। पिछली कक्षा में हमने आपको अधिकम निरोग्य बालक किसे कहते हैं इसके विषय में समझाया था, उनकी विशेषता, उनका वर्गीकरण और उनके कारणों के विषय में आपको बताया था। आज हम आपको अधिकम निरोग्यता अध्ययन की समस्या, अधिकम निरोग्य बालकों के अध्ययन के समय किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है उसके विषय में बताने जा रहे हैं। निरोग्यता के अध्ययन में बच्चों अनेक समस्याएं आ जाती हैं, जैसे अधिकम निरोग्यता प्रदत्तों में से किस किस को सम्मिलित किया जाए और किस किस को अलग रखा जाए, ये समस्या आती है अध्ययनकर्ता के सामने। कभी कभी अध्ययनकर्ता के सामने अधिगम निरोग्य बालक और सामान्य अधिगमीय बालकों के बीच वर्गीकरण करना कठिन हो जाता है, क्योंकि अधिगम निरोग्य और सामान्य अधिगमीय बालकों के लक्षणों में स्पष्ट अंतर नहीं हो पाता है। दोनों के बीच समानताएं परिलक्षित होने लगती हैं, जिससे ये समस्याएं उत्पन्न होती है। मैकिनी महोदय ने के अनुसार इस तरह के परिणामों के आधार पर अध्ययन की विसंगतियों की ओर ध्यानाकर्षण करने का प्रयास किया। कर्क ने भी इस प्रकार के अंतर में अध्ययन उपलब्धि और इस प्रकार के अध्ययन में जो अंतर बताया, उन्होंने कहा कि अध्ययन उपलब्धि और बुद्धि लब्धि को आधार मानकर जब मनोवैज्ञानिक अध्ययन करते हैं तो अध्ययन में उपलब्धि और बुद्धि लब्धि को आधार मानकर जो सीमा निर्धारित की है वह कभी कभी अधिगम निरोग्य के ठीक ठीक प्रमाणित करने में सफल नहीं हो पाती है, इसलिए समस्या उत्पन्न होती है। और इसी प्रकार की समस्या का व्यवहारिक प्रारूप सैम्फ ने मनोस्नायविक लक्षणों को समावेश कर प्रस्तुत किया। इस समस्या में बुद्धि परीक्षणों की प्रामाणिकता और उपलब्धि परीक्षणों की अनुप्रयोगात्मकता वैधता पर भी प्रश्न चिन्ह लगाने का एक प्रमुख कारण है कि उपलब्ध परिणामों के आधार पर कभी कभी जो परिणाम उपलब्ध हैं उन परिणामों के आधार पर कभी कभी पूर्व कथन बड़े ही संदिग्ध प्राप्त होने लगते हैं। इसके अतिरिक्त अध्ययनकर्ताओं के दृष्टिकोण में भी अंतर होता है, जिससे कि ऐसे बालकों के अध्ययन में समस्याएं उत्पन्न होती हैं। और अध्ययनकर्ताओं को मुख्यतः कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ता है जो प्रमुख है। सबसे पहला है असमरूपता अवधारण। असमरूपता अवधारण बच्चों, इस अवधारणा के अंतर्गत अधिगम निरोग्य प्रदत्त की सांख्यिकी सार्थकता के आधार पर सांख्यिकी सार्थकता के निकटतम मानदंड के अंतर्गत रखकर अध्ययन स्वरूप स्पष्ट किया जाता है। वर्नर महोदय ने कहा कि सांख्यिकी आधार पर 0.05% सार्थकता स्तर को प्रतिदर्श की स्थिति अधिगम निरोग्य अथवा अधिगम सामान्य को स्पष्ट किया। इस असमरूपता की धारणा को उस समय समस्या का सामना करना पड़ा जब अधिगम निरोग्य
सामान्य प्रायिकता वक्र के एक छोर पर सूक्ष्म के रूप में दिखाई देने लगा। यह आकार प्रकृति में असामान्य रूप से यहाँ पर आकर आकार प्रकृति में असामान्य रूप से वितरित मूलतः सामान्यतः प्रतीत होने लगते हैं और एक समरूप समूह के सदस्य बन जाते हैं। इसलिए असमरूपता धारणा में मुख्यतः दो प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। पहला, ज्ञात तथ्यों के आधार पर अधिगम निर्योग्यता, प्रतिदर्श को समग्र से अलग करना, और दूसरा, कुछ प्रमाणिक तथ्यों के आधार पर अन्य प्रतिदर्श को छोड़ना। तो यहाँ पे जो प्रश्न उठ रहा है बच्चों, वो यह कि जब अध्ययनकर्ता प्रतिदर्श चयन के इस मानदंड पर अपने आप को खड़ा करता है, अपने आप को खड़ा कर कसौटी पर कसने का प्रयास करता है, तो यह समस्या उत्पन्न होती है कि प्रतिदर्श को मानक मूल्यों के आधार पर परीक्षण, प्रतिदर्श को मानक मूल्यों के आधार पर परीक्षण और मूल्यांकन कर समग्र से अलग करें। किंतु इस क्षेत्र में अनेक समस्याएं उत्पन्न होती हैं बच्चों, जैसे अनुसंधान की अनुकूलता, राजनैतिक दबाव, अनुसंधान हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने वाली संस्थाओं का दबाव आदि प्रतिदर्श के व्यवहारिक दशा में विकृति उत्पन्न कर देती है, जिसके कारण अध्ययन के मूल से अध्ययनकर्ता को विचलित से कारण अध्ययन के मूल प्रमाण मूल तत्व से अध्ययनकर्ता को वह विचलित कर देती है। इस प्रकार से अध्ययन की मूल अवधारणा में व्यवधान आने लगता है, और जब अध्ययन की मूल अवधारणा में व्यवधान आने लगता है, तब इस स्थिति में अध्ययनकर्ता यह सोचने लगता है या तर्क करने लगता है कि वह इसमें किस किस का चयन करे और किस किस को वह प्रतिदर्श में शामिल न करे। किस किस का चयन करे और किस किस को शामिल न करे, क्योंकि उनके ऊपर दबाव आता है उनका तर्क, तब वो अपने हिसाब से तर्क करने लगते हैं। और कभी कभी यह समस्या अध्ययनकर्ता को प्रतिदर्श की संख्या के आधार पर भी होती है कि कितने प्रतिदर्श को अध्ययन के लिए चयनित किया जाए, जिसके कारणों की मानदंडों की कठोरता के कारण बच्चों इसमें न्यूनता आना स्वाभाविक है, तथा यह भी उसी के साथ स्वतः समस्या आ जाती है कि यदि अमुक प्रतिशत प्रतिदर्श नहीं है तो अध्ययन को कैसे व्यवहारिक माना जाए, कैसे व्यवहारिक बनाया जा सके। इस प्रकार से व्यवहारिकता का मानदंड का अध्ययन को अव्यवहारिक बना देता है। दूसरा आता है वर्गीकरण की समस्या। अधिगम निर्योग्यता का अध्ययन कभी कभी वर्गीकरण की समस्या से इतना प्रभावित हो जाता है कि अध्ययनकर्ता अपने अध्ययन परिक्षेत्र में समस्या महसूस करने लगता है, और यह समस्या बच्चों यह समस्या कभी कभी इतनी भीषण हो जाती है कि जब अधिगम निर्योग्य और सामान्य अधिगमी छात्र में कुछ विशिष्ट लक्षणों में जो अंतर होता है वह अंतर परिलक्षित नहीं होता है, अधिगम निर्योग्य बालक और सामान्य बालकों में जो अंतर है वह अंतर परिलक्षित दिखाई नहीं देता है,
मैकिनी महोदय ने इस तरह के परिणामों के आधार पर अध्ययन की विसंगतियों की ओर ध्यानाकर्षण करने का प्रयास किया और उन्होंने वर्गीकरण में अध्ययन को उपलब्धि और बुद्धि लब्धि के आधार पर अध्ययन को उपलब्धि और बुद्धि लब्धि को आधार मानकर जो सीमा निर्धारित की गई थी वो कभी कभी अधिगम निर्योग्यता को ठीक ठीक से प्रमाणित करने में सफल नहीं हो पाती है। इस तरह की समस्या का व्यवहारिक प्रारूप सेम्फ ने मनोस्नायु लक्षणों को समावेश कर प्रस्तुत किया। वर्गीकरण की इसी समस्या में बुद्धि परीक्षणों की प्रामाणिकता और उपलब्धि परीक्षणों की अनुप्रयोगात्मकता वैधता पर भी प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं। प्रश्न चिन्ह के कारण दृष्टिगत होते हैं। कारण यह है कि उपलब्ध परिणामों के आधार पर कभी कभी जो पूर्व कथन है वो बड़े संदिग्ध हो जाते हैं, जिसकी वजह से इस पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। तीसरे प्रकार की जो समस्या आती है वह उद्देश्यात्मक समस्या आती है। अधिगम निर्योग्यता के संदर्भ में बच्चों यह तथ्य बड़ा ही स्पष्ट है कि अध्ययनकर्ता के उद्देश्य अनुसार उनमें अंतर अवश्य दिखाई देते हैं। यह अंतर समस्या के सार्वभौमिक अध्ययन परिक्षेत्र को सीमित कर देता है। इसलिए इस परिक्षेत्र में विस्तृत करने के लिए सैद्धांतिक आधारों का सहारा लिया जाता है। इससे जहां प्रतिदर्श चयन में एक सार्वभौमिक मानदंड आया, वहीं अनेक समस्याओं का जन्म भी हुआ। क्यों? क्योंकि शोधकर्ताओं के उद्देश्यों में अंतर होने के कारण इनमें कई समस्याएं दिखाई देने लगती हैं। जैसे शोधकर्ता का उद्देश्य अलग है, अध्यापक का उद्देश्य अलग, सामाजिक कार्यकर्ता का उद्देश्य, तो सबके उद्देश्यों में जो अंतर होता है वो समस्याएं उत्पन्न कर देता है। नेक्स्ट आता है बच्चों अवधान एवं स्मृति संबंधी समस्या। अधिगम निर्योग्यता बालकों का ध्यान कभी भी किसी विषय पर बहुत ज्यादा समय तक केंद्रित नहीं रहता है, बहुत कम समय तक केंद्रित रहता है। और ऐसे बच्चे महत्वपूर्ण तथ्यों को कभी कोई महत्व नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि उनका ध्यान समय समय पर भटकता रहता है, जिसके कारण अधिगम निरोगी बालकों को सीखने की गति अक्षमता महसूस होती है। उनकी सीखने की गति बहुत धीमी हो जाती है, जिसके कारण वे न तो कोई कार्य योजना बना पाते हैं और न ही किसी कार्य को क्रियान्वित कर पाते हैं। फलस्वरूप वे वर्तमान तथा अतीत के अनुभवों के मध्य समन्वय नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका ध्यान किसी भी विषय पर बहुत ज़्यादा देर तक केंद्रित नहीं रहता है, बहुत कम समय तक केंद्रित रहता है, इसलिए किसी भी तथ्यों को महत्वपूर्ण रूप से नहीं लेते हैं।
और जब ये किसी भी तथ्यों को कोई महत्व नहीं देते हैं तो इन्हें वर्तमान तथा अतीत के अनुभवों के मध्य कोई अंतर स्पष्ट नहीं होता और उनके मध्य में वो समन्वय भी नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट आता है बच्चों वाचन तथा लेखन संबंधी समस्या। अधिगम निर्योग्यता के अंतर्गत बालक वाचन संबंधी समस्या से ग्रसित होते हैं और वाचन संबंधी समस्या से ग्रसित होने के कारण उनकी शैक्षिक उपलब्धि बहुत कम होती है। क्यों? क्योंकि ऐसे बालक स्वतः स्फूर्ति से लिखने में असमर्थ होते हैं। लेखन संबंधी निर्योग्यता के भी दो रूप होते हैं, एक सामान्य और दूसरा गंभीर। जिन बालकों में सामान्य समस्या होती है उनको साफ साफ लिखने में कठिनाई होती है, इन बालकों में लेखन की सामान्य समस्याएं पाई जाती हैं। वे बालक लिखते तो हैं लेकिन वे साफ साफ उनको लिखने में कठिनाई होती है। इन बालकों की समस्या को प्रारंभ में ही समझकर उनकी समस्या का समाधान किया जा सकता है, क्योंकि लेखन की प्रक्रिया को सुधारा जा सकता है और कक्षा की मुख्य धारा में उनको सम्मिलित भी किया जा सकता है। लेकिन बच्चों जिन बालकों में ये गंभीर समस्या होती है वे बालक बिना अशुद्धियों के लिख ही नहीं सकते हैं, बिना अशुद्धियों के वो लिख ही नहीं सकते हैं। अर्थात ऐसे बालक लिखना सीखने में असमर्थ रहते हैं, इसलिए उनके में वाचन तथा लेखन संबंधी समस्या उत्पन्न होती है, उनका शैक्षिक उपलब्धि बहुत कम होती है या होती भी नहीं। नेक्स्ट आता है दृष्टि तथा श्रवण प्रदक्षिकरण की समस्या। इस समस्या से ग्रसित बालक विभिन्न वस्तुओं में भेद नहीं कर पाते हैं तथा विभिन्न वस्तुओं में के अंतर को समझने में असमर्थ होते हैं। इसका कारण क्या होता है? इसका कारण होता है इनकी दृश्य स्मृति कम होती है। इसके साथ साथ ये विभिन्न ध्वनियों में भी स्पष्ट अंतर नहीं कर पाते हैं, ऐसे बालक जो है, जो भी व्यक्ति बोल रहा है वो बोले गए शब्दों का अर्थ निकालने तथा वातावरण में मौजूद विभिन्न प्रकार की आवाजों को पहचानने में असमर्थ होते हैं, जिसके कारण जब कोई व्यक्ति किसी शब्द को बोला जाए तो वो उस शब्द को पूरा नहीं कर पाते हैं। जिन बालकों में दृष्टि तथा श्रवण प्रदक्षिकरण की समस्या होती है उनके अंदर ये कमियां पाई जाती हैं। नेक्स्ट आता है सामाजिक संवेगात्मक व्यवहार तथा अभिविन्यास संबंधी समस्या। अधिगम निर्योग्यता से ग्रसित बालकों में समाज से समायोजन करने की क्षमता कम पाई जाती है। आप ये सभी जानते हैं कि भाषा जो है विचार और विनिमय का साधन है और भाषा के ही माध्यम से व्यक्ति अपने भावों विचारों की अभिव्यक्ति करता है और दूसरे के भावों विचारों को समझता है। संप्रेषण का एक माध्यम भाषा है और भाषा अधिगम के माध्यम से सीखा जाता है। और जिन बालकों में अधिगम अक्षमता है वो तो सीख ही नहीं पाते हैं और अधिगम निर्योग्यता से ग्रसित होने के कारण ऐसे बालकों का समाज में समायोजन करने की क्षमता कम होती है, क्योंकि वो किसी की बातों को समझ नहीं पाते हैं।
ऐसे बालक समय एवं परिस्थिति के अनुकूल अपने आप को परिवर्तित नहीं कर पाते हैं, अपने आप में समायोजन नहीं ले आ पाते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसे बालकों के विचार जल्दी जल्दी बदलते रहते हैं। इन बालकों में स्थान प्रत्यय के विकास की गति बहुत धीमी होती है। जिसके कारण इनका सामाजिक संवेगात्मक व्यवहार तथा अभिविन्यास संबंधी समस्या उत्पन्न होती है। इन बालकों में समय संबंधी शब्दों का कोई ज्ञान नहीं होता है। नेक्स्ट आता है बच्चों मूल्यांकन की समस्या। अध्ययनकर्ता जिन मूल्यांकन समस्याओं का सामना करता है वे तीन कारणों से होती हैं। पहला, नैदानिक उपागमों व सामग्रियों में विभिन्नता का होना। दूसरा है प्रयुक्त परीक्षणों की विश्वसनीयता व वैधता में संदेह का होना। और तीसरा है अध्ययनकर्ताओं में पक्षपात का होना। तो इन बालकों के अध्ययन में अध्ययनकर्ताओं के सामने विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इन समस्याओं के समाधान के साथ ही साथ अधिगम निर्योग्य बालक को समझना है और उनका मूल्यांकन करना है, जिससे कि उन्हें अधिगम योग्य बनाया जा सके। अधिगम निर्योग्यता का मूल्यांकन। बच्चों, अधिगम निर्योग्यता का मूल केंद्र बिंदु बालक की शैक्षिक उपलब्धि से है। बालक की शैक्षिक उपलब्धि से शैक्षिक उपलब्धि प्रभावित होती है। तो क्यों होती है? तो शैक्षिक उपलब्धि प्रभावित होती है बालक की मनोवैज्ञानिक दशा से, मनोस्नायुक दशा तथा मस्तिष्कीय विद्युतीय तरंगों की दशा से। बच्चों के बाल अधिगम निर्योग्यता का मूल केंद्र बालक है और बालक की शैक्षिक उपलब्धि है। तो शैक्षिक उपलब्धि प्रभावित किस किस चीज से? सबसे पहले मनोवैज्ञानिक दशा। मनोवैज्ञानिक दशा से उनकी शैक्षिक उपलब्धि प्रभावित होती है। मनोस्नायु का संबंध मनोवैज्ञानिक और शैक्षिक उपलब्धि से होता है। मनोस्नायुविक का संबंध जैव रासायनिक, मस्तिष्की विद्युत तरंगी, मनोवैज्ञानिक एवं शैक्षिक उपलब्धि से। तो मनोवैज्ञानिक दशा का मूल्यांकन, जब हम अधिकम निर्योग्यता का मूल्यांकन करते हैं तो मनोवैज्ञानिक दशा के मूल्यांकन हेतु बुद्धि परीक्षण, व्यक्तित्व परीक्षण, प्रत्यक्षिक गति परीक्षण, अवधान परीक्षण, अभिक्षमता परीक्षण, ये सभी परीक्षण मनोवैज्ञानिक दशा के मूल्यांकन के लिए सहायक होते हैं। इसके अतिरिक्त बच्चों अन्य तत्व जैसे विद्यालय के क्रियाकलापों में सहभागिता, घर पर अध्ययन समय आदि का भी अध्ययन आवश्यक होता है। मनोस्नायिक दशा का आकलन, मनोस्नायिक दशा का आकलन हेतु वेंड विजुअल मोटर गेस्टाल्ट परीक्षण का उपयोग किया जाता है। मनोस्नायिक दशा का आकलन करने के लिए वेंड विजुअल मोटर गेस्टाल्ट परीक्षण का उपयोग किया जाता है। इसके द्वारा बालकों में पता लगाया जाता है कि अतिक्रियाशीलता, हाइपर काइनेसिस, गति समन्वयक आदि के बारे में जानकारी मिलती है। और जैव रासायनिक की जानकारी के लिए बालक का रक्त शर्करा परीक्षण,
के बालक का रक्त शर्करा परीक्षण कराया जाता है। इसके साथ साथ 17K2 वसा रेशो की जांच हेतु मूत्र परीक्षण, थायराइड ग्रंथि की जांच हेतु टी परीक्षण, सिर का एक्सरे, जींस आदि का परीक्षण, साथ साथ रक्त संरचना विश्लेषण एवं मस्तिष्क तरंगों का परीक्षण आकलन आवश्यक होता है। और सभी प्रक्रियाएं अपने अपने उद्देश्य अनुसार सही हैं और अध्ययन के मानदंडों को पूरा करती हैं। और इन तीनों प्रक्रियाओं से में इन तीनों प्रक्रियाओं में सर्वप्रचलित प्रक्रिया द्वितीय है, किंतु यहाँ तीनों प्रक्रियाओं की जानकारी होना आवश्यक है। सबसे पहले प्रथम प्रक्रिया जो आती है बच्चों, प्रथम प्रक्रिया मनोवैज्ञानिक दशा का अध्ययन। इस प्रक्रिया में दो आयाम होते हैं बच्चों। प्रथम आयाम में मनोवैज्ञानिक दशा का अध्ययन किया जाता है। मनोवैज्ञानिक दशा का अध्ययन कर उसकी शैक्षिक उपलब्धि का आकलन किया जाता है, आकलन निकाला जाता है। आकलन करके अधिकम निर्योग्यता के मानदंडों को निर्धारित किया जाता है। मनोवैज्ञानिक दशा का आकलन 5 विधियों के माध्यम से किया जाता है। सबसे पहला है बुद्धि परीक्षण, IQ लेवल टेस्ट। दूसरा है व्यक्तित्व परीक्षण, पर्सनालिटी टेक्निक। तीसरा है प्रत्यक्षिक गति परीक्षण। चौथा है अवधान परीक्षण और पांचवा है अभिक्षमता परीक्षण। इन मनोवैज्ञानिक दशाओं के अध्ययन, परीक्षण अथवा मूल्यांकन हेतु किसी भी प्रामाणिक परीक्षण का उपयोग किया जा सकता है। इनमें इस हेतु परीक्षण की बाध्यता आवश्यक नहीं होती है। अधिगम निरोग्यता के अध्ययन में बच्चों अधिगम निरोग्यता का जब परीक्षण करते हैं तो सबसे प्रमुख क्या होता है, शैक्षिक उपलब्धि एक आवश्यक अध्ययन विषय बनती है। बच्चों के शैक्षिक उपलब्धि एक आवश्यक अध्ययन का विषय होता है, इसीलिए अध्ययनकर्ता इस पक्ष पर गंभीरता से ध्यान केंद्रित करता है। और इस प्रक्रिया में वो कुछ मुख्य दशाओं एवं बातों पर ध्यान केंद्रित करता है। सबसे पहला ध्यान उसका कहा जाता है बालक, अधिगम निरोग्य बालक के परिणाम पर, प्रगति पे। तो विद्यालय के प्रगति प्रमाण पत्र पे उसका ध्यान जाता है। इसके साथ साथ बालक का विद्यालय में क्या प्रगति रिपोर्ट, उसका शैक्षिक उपलब्धि क्या है, विद्यालय के क्रियाकलापों में उसकी सहभागिता कैसी है, विद्यालय के कार्यों में उसकी रुचि है या नहीं, इस पर ध्यान केंद्रित करता है। दूसरी दशा पे तो माता पिता द्वारा शैक्षिक उपलब्धि के संबंध में जानकारी, क्या माता पिता अपने बच्चों की शैक्षिक उपलब्धि की जानकारी रखते हैं कि नहीं, उनकी जानकारी। विद्यालय कार्य निष्पादन, विद्यालय में जो होमवर्क मिलता है, जो कार्य मिलता है, उस कार्य का निष्पादन बच्चा वह कार्य करता है कि नहीं। इसके साथ साथ घर पर अध्ययन में दिए जाने वाले समय, क्या माता पिता घर पे बच्चों को पढ़ने के लिए समय देते हैं कि नहीं, या बैठा कर पढ़ाते हैं उन्हें। इन सभी बातों के साथ पारिवारिक समायोजन, क्या इस प्रकार के बालक का पारिवारिक समायोजन हो पाता है या नहीं, या क्या वो परिवार में समायोजन स्थापित कर पाता है कि नहीं, इन सभी बातों पर ध्यान देकर ही बच्चों की अधिगम का मूल्यांकन किया जाता है। द्वितीय प्रक्रिया आती है जो है बच्चों, ये प्रथम प्रक्रिया से कुछ जटिल है परंतु यह
अनिष्पादनीय नहीं है। यह प्रक्रिया अनिष्पादनीय नहीं है। इस प्रक्रिया के माध्यम से जो भी अध्ययन किया गया है प्रथम प्रक्रिया की तुलना में द्वितीय प्रक्रिया के अध्ययन विश्वसनीय और अध्ययन के परिणाम अध्ययन विश्वसनीय होते हैं और अध्ययन परिणाम के पक्ष में भी उपयोगी होते हैं। मनोवैज्ञानिक और शैक्षिक उपलब्धि की चर्चा यहाँ पर आवश्यक नहीं होती है क्योंकि ये पहली प्रक्रिया में हो चुकी रहती है। कारण इनका उल्लेख प्रथम प्रक्रिया में हो चुका रहता है। यहाँ पे दूसरी प्रक्रिया में मनोस्नायुक प्रक्रिया के अध्ययन से मनोस्नायुक प्रक्रिया के माध्यम से समस्याग्रस्त बच्चों के कारणों का ठीक ठीक अनुमान और आकलन करने की प्रबलता बढ़ जाती है और इस अध्ययन में मस्तकीय क्षमता के उन मानदंडों का भी उल्लेख करना आसान हो जाता है जिससे अध्ययन के प्रमुख चित्र लेखन कला तथा लेखन गति का व्यवहारिक प्रमाण प्रस्तुत किया जा सकता है। अध्ययनकर्ता प्रमुख रूप से वेंड विजुअल मोटर गेस्टाल्ट टेस्ट का उपयोग इस कार्य हेतु करते हैं। इस परीक्षण के माध्यम से अतिक्रियाशीलता, हाइपरक्राइनेसिस, गति समन्वयक आदि का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया जाता है। इस प्रक्रिया के अध्ययन से अध्ययनकर्ताओं को एक और सुविधा प्राप्त हो जाती है कि वह समस्या के समस्त पक्षों पर ध्यान केंद्रित कर समाधान की ओर अग्रसर होते हैं। तीसरी प्रक्रिया जो होती है यह प्रक्रिया प्रथम दो प्रकार की प्रक्रियाओं से अधिक जटिल होती है परंतु ये अत्यधिक उपयोगी होती है। इस प्रक्रिया में अध्ययनकर्ता मनोस्नायिक मनोवैज्ञानिक एवं शैक्षिक उपलब्धि के साथ साथ मनोस्नायिक जैव रासायनिक एवं मस्तिष्क विद्युत तरंगी क्रियाओं के अध्ययन पर भी बल देते हैं। मनोस्नायिक एवं जैव रासायन अध्ययन जो अधिकम निरोगता के अध्ययन और उनके सुधार के लिए आवश्यक है उसमें सबसे पहले रक्त शर्करा परीक्षण कराया जाता है। मूत्र में निहित 17 केटो वसा रेशों का परीक्षण कराया जाता है। टी परीक्षण कराया जाता है बच्चों का। थायराइड ग्रंथि का परीक्षण, मस्तिष्क तरंगों का परीक्षण कराया जाता है। खोपड़ी का एक्सरे कराया जाता है। रक्त संरचना का विश्लेषण किया जाता है। गुणसूत्रों का अध्ययन किया जाता है। इन सभी का अध्ययन अधिगम निरोगता के मूल्यांकन में अनेक गणितीय मानदंडों का भी उपयोग किया जाता है जैसे मानसिक स्तर का विकास एक प्रमाणीकरण द्वारा प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाता है। इसमें मानसिक आयु और वास्तविक आयु का अध्ययन किया जाता है। निष्पादन स्तर इस विधि का प्रतिपादन एवं व्यवहारिकीकरण इस विधि का प्रतिपादन एवं व्यवहारिकीकरण ब्रांड एवं टीकर द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसके मापन के लिए उन्होंने सूत्रों का प्रयोग किया जिसे RE गणना हैरिस की विधि द्वारा ज्ञात की जाती है। इसमें बच्चों प्रत्याशित आयु यह विधि पहला मानसिक स्तर है, दूसरा निष्पादन और तीसरा प्रत्याशित आयु। यह विधि माइकल बेस्ट के नाम से जानी जाती है। इस विधि का विकास अनेक व्यवहारिक मानदंडों पर आधारित है। प्रत्याशित आयु के मापन के लिए भी सूत्र प्रयोग में ला जाते हैं। इसका सूत्र है EA = मानसिक आयु + वास्तविक आयु।
इन सभी परीक्षणों के माध्यम से अधिगम निर्योग्य बालक के निर्योग्यता का अध्ययन करके उनके उपचार का प्रयास किया जाता है, उनके समाधान के लिए उन्हें शैक्षिक उपलब्धि और विकास के लिए प्रयास करता है, उनके लिए नैदानिक उपचार और उनकी समस्या से निपटने के लिए एक उपचारी विशेषज्ञ से संबंध स्थापित करके उनके उपचार की व्यवस्था की जाती है। लेकिन इन चरणों के द्वारा मूल्यांकन करके ही हम अधिगम अक्षमता वाले बालकों का उपचार कर सकते हैं। अधिगम निरोग्य बालकों का मूल्यांकन करके यह जानने का प्रयास किया जाता है कि बालकों की अधिगम निरोग्यता की अक्षमता का कारण क्या है, उन कारणों का पता लगाया जाता है। पता लगाने के पश्चात उनके उपचार की व्यवस्था की जाती है, जिससे कि उनके लिए सुधारात्मक कदम उठाया जाए और सुधारात्मक कदम उठाने के लिए इन बच्चों का मदद किया जा सके, जिससे कि इनमें उपचारात्मक एवं सुधारात्मक प्रक्रियाओं के माध्यम से इन्हें बेहतर अधिगम के लिए तैयार किया जा सके। और बेहतर अधिगम के लिए तैयार तभी किया जा सकता है जब इनकी समस्याओं, इनके कारणों को जानकर इनके लिए निदान की व्यवस्था किया जाए। यहाँ पे इस टॉपिक को हम समाप्त करते हैं। अगली कक्षा में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ प्रस्तुत होंगे। थैंक यू।